विजय चार्ट हाउस सराफा इंदौर। इंदौर के फेमस विजय चार्ट हाउस की खोपरा पेटिस अपने लाजवाब स्वाद के कारण शहरी नहीं देश विदेश में प्रसिद्ध है। आज के इस वीडियो में बातें विजय चार्ट हाउस की। नमस्कार, मेरा नाम कश्यप ठाकर है। मैं विजय चार्ट हाउस सराफा दुकान का संचालक हूँ। विजय चार्ट हाउस हमारी दो शाखाएं हैं, एक यहाँ हेड ऑफिस सराफा पे और एक और दुकान जो है हमारी 56 दुकान पे है। विजय चार्ट हाउस सन 1969 में हमारे दादाजी, पापा जी और दो ताऊ जी, चार व्यक्तियों ने मिलके, हमारे घर के परिवार के लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था। पहली दुकान हमने सराफा में अंदर ओटले से शुरुआत करी थी। तब हम लोग सिर्फ कचौरी, पैटिस और खमंडी बनाया करते थे। उसके बाद में इंदौर वासियों ने हमें इतना प्रेम दिया, हमारे स्वाद को पसंद किया और उसके बाद से फिर धीरे धीरे हमारी उन्नति हुई, तरक्की हुई। सब लोगों ने बहुत प्रेम दिया यहाँ से और हमने बाहर ये बड़ी वाली दुकान ली। उसके बाद सराफा अपने 56 वाली दुकान जो है वो परचेज़ करी हमने और दोनों तरफ फिर बाद में अब हम हमारा मेनू बढ़ाते जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम तीसरी पीढ़ी है इस व्यापार में। मैं कश्यप ठाकर, मेरे से छोटे भाई हैं सागर ठाकर, बड़े भैया दो हमारे जतिन भाई और मुदुल भाई, ये हमारे 56 वाली दुकान संभालते हैं। और अब हमारी चौथी पीढ़ी भी इस व्यापार में आ चुकी है। जयवल ठाकर जो जतिन भाई के सुपुत्र हैं, वो 56 दुकान पे अभी फिलहाल कार्यभार सब संभाल रहे हैं। यूं तो आपने कई तरह के पेटिस खाए होंगे, लेकिन विजय चार्ट हाउस पर जो पेटिस मिलते हैं उनका स्वाद बेहद लाजवाब होता है। विजय भाई ठाकर, विजय भाई जो हैं वो मेरे ताऊ जी हैं। पिताजी मेरे कीर्ति भाई ठाकर सबसे छोटे हैं, विजय भाई जो हैं वो मंझले भाई हैं तीन भाइयों में, और सबसे बड़े जो हैं मेरे ताऊ जी वो हैं निरंजन भाई ठाकर। तो आप गुजरात से हैं? हम गुजरात सूरत से हम लोग यहाँ पे माइग्रेट हुए हैं। सन 1968 में हम लोग सूरत से इंदौर आए थे और काफ़ी ख़राब परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आए थे यहाँ। वही बस दो वक्त की रोटी मिल जाए उस हिसाब से, उस आशा से इंदौर आए थे और इंदौर वासियों ने फिर जो हाथ पकड़ा उसके बाद में जो भी स्थिति है वह आपके सामने ही है। सन 1969 में सूरत से श्री विजय भाई ठाकर जी ने इंदौर में खोपरा पेटिस बनाने का काम शुरू किया। उस समय शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि खोपरा पेटिस इंदौर की पहचान बनेगा और विजय चार्ट हाउस इंदौर के दिल में भर जाएगा। एक बार आपने विजय चार्ट हाउस की खोपरा पेटिस का स्वाद चखा तो आप उस स्वाद को नहीं भूल पाएंगे।
ओपरा पेटिस का स्वाद इंदौर के दिल में बसा हुआ है। शुद्धता, स्वच्छता, व्यवहार, यहाँ का स्वाद, सब कुछ उम्दा है। पेटिस बनता है, ऊपर का कवर होता है आलू का, आलू और नमक, और अंदर नारियल का मसाला होता है। ये फरियाली आइटम भी है, इसको उपवास में भी खाया जाता है। हम जो उपवास में होती है तो वो बिना लहसुन की हरी चटनी में सर्व करते हैं, और जिनका उपवास नहीं होता है उनके लिए हम मीठी चटनी और लहसुन की हरी चटनी में सर्व करते हैं। हमने फिर उसके बाद शुरुआत की थी कुछ 15-20 साल के बाद में। उसके बाद से फिर हम लोगों ने लस्सी, शिकंजी, दही वड़े, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी और अन्य कई वस्तुएं हमने बनाना शुरुआत करी। केसर श्रीखंड और सुबह सुबह नाश्ते का पोहा, केसर जलेबी, ये सब चीज़ें हमने नई मेनू में आइटम्स ऐड करी और सभी को ग्राहक पसंद कर रहे हैं। और भविष्य में भी अब हम जो हमारी सारे प्रोडक्ट रेंज है इसमें सबसे बेस्ट सेलिंग जो आइटम है, हमारे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है खोपरा पेटिस। खोपरा पेटिस को अब हम फ्रोज़न में कन्वर्ट कर लिया है हमने, और अब हम इसको एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर प्रभु ने चाहा तो फिर सारी वैरायटी हमारी हम पूरे भारत में और विश्व में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। विजय चाट हाउस की दो दुकानें हैं, एक छपन दुकान पर और दूसरी सराफा में। इनका खोपरा पेटिस इन्हीं की स्पेशल खोज है। इसके अलावा साबूदाना पेटिस और आलू कचौरी भी विजय चाट हाउस की शान है। मार्केट डिमांड के हिसाब से हम लोग हमारी मेनू को चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे पहले शुरुआत में हम सिर्फ खोपरा पेटिस और मटर की कचौरी और खमन बनाया करते थे, डिमांड के हिसाब से समोसे ऐड करे। अभी रिसेंटली हमने पिछले साल ही दाल कचौरी भी बनाना स्टार्ट करी है, और दही वड़े, साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, ये सब शुरुआत करी है। अब भविष्य में अब देखते हैं, जैसे कि अभी न्यू जनरेशन जैसे डिमांड करती है वैसे ही कुछ पेटिस के ही वेरिएशन लाएंगे, कुछ चीज़ वगैरह में इस तरह से कुछ नए कुछ ना डेवलपमेंट करते रहते हैं हम लोग, तो चलता रहता है, मेनू तो अपडेट होता ही रहेगा। आज इसकी कीमत क्या है पेटिस की? आज इसकी कीमत है 20 रुपये। और शुरू में क्या थी? शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी पेटिस की तब 10 पैसे से शुरुआत हुई थी। यहाँ की कोबरा पेटिस बच्चों से लेकर वृद्धों की पहली पसंद है। हमारे यहाँ पे 6 महीने का बच्चा भी हमारे पेटिस का लुत्फ उठाते हैं, और जहाँ तक हमें ध्यान है अभी पिछले ही महीने में एक भाऊजी आए थे जिनकी उम्र 102 साल थी, उन्होंने भी वो पेटिस खाई है। तो वो 10 पैसे की पेटिस भी उन्होंने खाई हुई है और आज 20 रुपये की पेटिस भी खाई है उन्होंने। तो इस तरह से हमारे पास में जो पूरे हमारे ग्राहक है इतना प्रेम है उनका कि हमारे पास शुरुआत के ग्राहक भी अभी भी आते हैं, तो अभी भी तारीफ करके जाते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं। राजबड़ा और छपन दुकान में
स्वाद की खुशबू बिखरते हैं। विजय चाट हाउस इंदौर। चटनी हमारी दूसरों से हमारी थोड़ी अलग रहती है। चटनी हम लोग गुड़ और अमचूर की चटनी बनाते हैं, उसमें काफ़ी सारे मसाले वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी हरी चटनी होती है वह लहसुन की बनाते हैं, और जो उपास में खाई जाती है वो पुदीने की और अदरक की बनती है। और जो स्वाद हमारा सबको पसंद आता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सब चीज़ें फ्रेश बनाते हैं। हम लोग मीठी चटनी वैसे तो महीना भर चल जाती है, पर हमारी डेली मीठी चटनी डेली की डेली बनती है। बना के स्टॉक करने का काम किसी भी चीज़ का नहीं रहता हमारे पास में। विजय चाट हाउस राजवाड़ा और छप्पन दुकान इंदौर। बस आपका आशीर्वाद प्रेम बना रहे।